بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो गाइस आज हम करने वाले हैं जबरकत की कटिंग सदरी, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए इससे पहले हम इसका नाप देख लेते हैं जबरकत का। तो अभी लेंथ देख सकते हैं, लेंथ 26 है, शोल्डर है 15, सीना है 37, पेट है 35.5, हिप है 38.5, कॉलर है हमारे ऊपर 15। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो शुरू करते हैं इसकी जवार कट की कटिंग। सबसे पहले हमको एक मार्क नीचे लगा देना है दामन से आधा इंच हटाकर। हमारे नीचे कपड़े जो है एक्स्ट्रा है, इस मार्क पे हमको 1.5 इंच का उसमें दामन दबाव रखना एक्स्ट्रा। हमारा दबाव को मार के इस मार्क को हमको सीधा कर लेना है। अब हमको मार्क लगाना है इसकी लेंथ का। लेंथ हमारी इसकी है 26.5, तो हमको इस मार्क से 26.5 पर ये मार्क लगा देना है। यहाँ से हमको 1 इंच नीचे डाउन करना है, शोल्डर कंधी डाउन करेंगे। 1 इंच हमने ये लगा दिया। कटिंग जो हमको करनी है ऊपर वाले मार्क से ही करनी है। तो हमारे इसका सीना है 37, 37 को हमको 4 जगह डिवाइड करना है, चौथा भाग हमारा इसका बना। सवानों जो हमने ये मार्क लगाया है हमको इस मार्क से 7 इंची पर दूसरा मार्क लगाना है पेट का। पेट के लिए हमारा दूसरा मार्क है पेट का, सेम मार्क हमको ये यहाँ लगा लेने हैं 26.5, 1, 7 प्लस 7 इंच, ये मार्क हमको सीधे कर लेने हैं सारे। और हमारा जो मार्क है सबसे पहला लेंथ वाला, ये हमको पूरा पूरा मार्क लगाना है। दूसरा मार्क जो हमको ये थोड़ा हाफ लगाना है। और ये हमारा जो मार्क है सीने का है, ये मार्क हमको पूरा लगाना है। ये पेट का मार्क है, ये भी हमको ये यहाँ पूरा लगाना है, ठीक है। अब हम इसकी बैग में जो काटेंगे, बैग में काटेंगे हम जॉइंट। तो हमको यहाँ से ऊपर वाले मार्क से 1 इंची हटाना है, थोड़ा नीचे डाउन करते हुए 1/2 इंची। या फिर हमको ये 1 इंची लेना है, कमर में हमको सेट देना है। तो हमको यहाँ 1.5 इंची का मार्क लगाना है, 1.5 इंची हमको ये नीचे दामन के हिस्से में लगाना है। इस मार्क को सीधा करना हमको सेट पट्टी की मदद से। ये मार्क हमको इस मार्क से मिलाना है, ये मार्क हमको इस मार्क में मिलाना है, ये मार्क हमको इससे मिलाना है, ये मार्क हमको इस मार्क से मिलाना है। ये हमारा एक का मार्क लग चुका है। कटिंग जो करनी है हमको इस मार्क से शुरू करनी है। तो हमारे इसका सबसे पहले हमको मार्क लगाना है कॉलर का। कॉलर हमारा इसका है 15, 15 को हमारा 15, 15 को हमको इसका पांचवा भाग लगाना है। तो हमारे इसका बना 3 इंच, तो 3 इंच ही मार्क हमको सीधा कर देना है। जो हमने मार्क लगाया है हमको इस मार्क से 7 इंची इसकी कंधी उठानी है ऊपर। बैग जो कटती है ज्यादा कटती है, 7 इंच नहीं तो उठा दे, 7 इंच ही उठा दे। इस मार्क को हमें सीधे कर लेने हैं। यहाँ से हमको इसकी ये गोलाई दे देनी है बैग के गले के लिए। अब हमको मार्क लगाना है इसका शोल्डर हमारा इसका है 15, 15 को हमको हाफ करना है। इस मार्क हमको कटिंग स्टार्ट करनी है। 15 हाफ बना हमारा 7.5 प्लस 1/2 इंच में हमको मार्जिन रखना है सिलाई के लिए। तो हमारा ये बना 7.5 प्लस 1/2 इंच, 8 इंच। अब हमको ऐसे सीने का मार्क लगाना है। हमारा इसका है 37, 37 को हमको 4 जगह डिवाइड करना है। इसका चौथा भाग बना हमारा 1.25, 1 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा रखना है। ये हमारा बना 1.5 प्लस 1 इंच 10,
ऐसे हमको बेस्ट का मार्क लगाना है। बेस्ट हमारा इसका है 3.5 फीट का चौथा भाग बना, इसकी इसको हम 9 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखना है। ये बना हमारा एक सूट का 10 इंच एक सूट, ऐसे हमको हिप का मार्क लगाना है। हिप हमारी इसकी है 38.5, हमको 4 जगह डिवाइड करना है 9.5 एक सूट प्लस इसमें हमको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हमारा ये बना 10.5 एक सूट, तो हमको ये मार्क सीधे कर देने हैं। इस मार्क में ला देना है। जो हमने ये मार्क सीने का लगाया इस मार्क को हमको ये 7 इंची का मार्क अंदर लगाना है। इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है। यहाँ हमको ये अराउंड की गोलाई निकाल देनी है। इस मार्क को हमसे इस मार्क पर ही हमने मार्क लगाया है, यहाँ से 1 इंची का इस मार्क पर ही कंधी डाउन कर देनी है। तो हमारे ये बैक का मार्क लग चुका है, तो हम ये इसी मार्क पे कटिंग करेंगे। तो नीचे हमारे जैसे हमने सेम मार्क लगाया है, तो इसी मार्क से ही कटिंग कर देनी है नीचे। ये हमारी बैक की कटिंग हो चुकी है। हमको ऐसी फ्रंट की कटिंग करनी है, हमको एक मार्क में सीधे लगा लेना है स्ट्रेट, एक मार्क को तो स्ट्रेट लगा लेना है। कटिंग जो करेंगे मार्क से कटिंग जो करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमको बैग उठा लेनी है। ये मार्क जो हमने लगाया है ये मार्क हमको सीधे कर लेने हैं, और जो हमने ये सबसे पहला मार्क लगाया था लेंस का, ये मार्क हमको सीधा कर लेना है। ये मार्क हमको सीधे कर लेने हैं। यहाँ से हमको बैग हटा देनी है, इस मार्क को सारे ये सीधे कर लेने हैं। अब हमको यहाँ से लेंथ का मार्क लेना है। लेंथ हमारी इसकी है 26.5, 26.5 प्लस 1/2 इंच इसमें हमको जो मार्जिन रखना है 26.5 प्लस 27, हमको 27 दे सकते हैं, 27 लेंथ का मार्क आ गया। इस मार्क को सीधा कर लेना है, और 1.5 इंची हमें इसमें जो हमने बैग में लगाया था एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा नीचे दामन एक्स्ट्रा आ गया। अब हमको इसमें मार्क लगाना है कॉलर का। कॉलर का हमने इसमें देख सकते हैं, कॉलर का हमने मार्क लगाया 3 इंची का, तो हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 3 प्लस 1 1 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा रखना है, 4 इंच में कॉलर का मार्क लगाते हैं। ऐसे हमको सीने का मार्क लगाना है, सीना हमारा इसका है 37 37, हमको 4 जगह डिवाइड करना है 9 9 3 इंच हमें इसमें लूजिंग और मार्जिन दोनों रखनी है, लूजिंग मार्जिन 5 बटन सब इसमें आ जाएंगे। ऐसे हमको इसका मार्क लगाना है। सीम पैड का पैड हमारे को 35.5 एक सूट का 9 प्लस 2.5 इंच, ऐसे हमको एक का मार्क ये हमारे 38.5 9.5 प्लस एक सूट का 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा। इस मार्क को हम सीधा कर देते हैं। जो हमने सीने का मार्क लगाया है हमको इसके सीने से मार्क वाले से 1 इंची हमको एक मार्क अंदर लगाना है आराम की गोलाई के लिए, और यहाँ से हमको इसकी बैक का मार्क लगा देना है। तो हमने ये उठाकर
हमारा देखा माँ का ये, जैसे हमको सवा दो इंच है ना, वो डाउन करना है, जैसे हमने बैग में करा था वैसे हमको ये डाउन करना है, सवा दो इंच हमने ये डाउन कर दिया। इस मार्क से हमको इस मार्क से कंधी डाउन कर देनी है, इस मार्क से हमको ये मार्क लगा देना है। दिमाग दिमाग में सीधा काट दिया जो हमने ये पौने चार का लगाया, चार का लगाया हमको इधर ही 3 इंची का, पौने इंची कम इसके 3 इंची भी मार्क लगाना है, और हमको यहाँ पर 2.5 इंची का लगाना है। हमको बस इस मार्क को मिला देना है, इस मार्क को मिला देना है। यहाँ पर ही गोलाई निकाल देनी है फ्रंट के कॉलर के लिए, हमारे फ्रंट का मार्क लग चुका है। यहाँ से हमको उसका थोड़ा शेप दे देना है, जबा करके राउंड के लिए। अबे चाबी नहीं है, कभी कर रूम में खाया तो भैया दिया दे दिया। ये हमारी राउंड है, तो हमको ये इस मार्क पर, ये इस मार्क पर ये कटिंग कर देनी है। हमारा फ्रेंड कट चुका है, यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्क लगाना है, तो वहाँ पर चाक बनाने हैं, चाक का मार्क लगा देना है। तो हमको हाथ वाले यहाँ से 8 इंच ऊपर टोपी का मार्क लगा देना है। बढ़ गया सब बढ़िया। ये हमारा टोपी का मार्क लग चुका है, ये हमारी जवाहर कट की कटिंग हो चुकी है।